हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th का मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शंस, जिसकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर टोटल 5 पार्ट हैं। इस वीडियो के अंदर सिर्फ 4 पार्ट हम डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 5th पार्ट ओनली ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। यहाँ पर आपको बताना है कि जो रिलेशन है हमारे पास में यहाँ पर गिवन है, ये आपके रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, ये आपको यहाँ पर बताना है, चेक करना है अपने। तो इसको सॉल्व करना होगा पूरा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, रिलेशन आर इन द सेट ए, सेट ए के अंदर 1, 2, 3 से लेके 14 तक नंबर है और उसको डिफाइन किया गया है रिलेशन को, आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच डेट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो जो रिलेशन आपको दे रखा है सेट ए के साथ में, तो रिलेशन आर इन द सेट ए क्या दिया हुआ है, 1 से लेके 14 तक नंबर है सेट ए के अंदर और डिफाइन किया गया है इस रिलेशन को, आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच डेट 3x माइनस वाई। अब देखिए इसका मतलब अपन समझते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पर सेट ए में जो एलिमेंट दिए हुए हैं वो आपको 1 से लेके 14 तक दिए हुए हैं, क्लियर है? और यहाँ पर इसको डिफाइन किया गया रिलेशन को, आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच डेट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखो ये सच डेट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो अगर इस 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 को देखें अगर हम, तो इस माइनस वाई को अगर हम ट्रांसपोज करें तो 3x इज इक्वल टू माइनस वाई ट्रांसपोज होगा तो वाई आ जाएगा, माइनस वाई प्लस वाई हो जाएगा, तो 3x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इज इक्वल टू वाई आ जाएगी। तो यहाँ पर यहाँ से एक चीज समझ में आ रही है हमें कि अगर हम यहाँ पर वैल्यू पुट करें, और वैल्यू हमें कौन कौन सी लेनी है इस रिलेशन के अंदर, 1 से लेके 14 तक, क्योंकि सेट ए जो दिया हुआ है वो सिर्फ 1 से लेके 14 तक ही है। तो यहाँ पर हमें क्या रखना है, जो रिलेशन हमारा बनेगा तो रिलेशन के साथ में जो सेट आएगा वो 1 से लेके 14 तक ही आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे, तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने सबसे पहली बात तो ये बना लिया रिलेशन 3x इज इक्वल टू वाई। ठीक है, यहाँ पर अपने को कंडीशन गिवन थी 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ x की वैल्यू पुट करेंगे तो y हमारा निकल के आएगा। तो अगर मैंने x की वैल्यू 1 पुट करी तो y क्या निकल के आ जाएगा, y हमारा निकल के आ जाएगा 1 इंटू 3, कितना होता है 3 होता है, 1 इंटू 3 कितना होता है 3 होता है। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू हमने जब 1 पुट करी तो y हमारा क्या निकल के आ गया, 3 निकल के आ गया। ऐसे ही जब हम x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो y हमारा 6 निकल के आ जाएगा। ऐसे ही x की 3 हम रखेंगे तो y हमारा 9 निकल के आ जाएगा। ऐसे ही x की वैल्यू 4 रखेंगे तो y हमारा 12 निकल के आ जाएगा। और ऐसे ही x की वैल्यू अगर मैं जब 5 रखूंगा तो y हमारा 15 निकल के आ जाएगा। लेकिन जो 15 है ये हमारा इस सेट के अंदर नहीं है, तो हमें क्या करना है, x की वैल्यू सिर्फ 4 तक ही रखनी है। क्लियर है बात? तो x की वैल्यू जब हम 4 तक रखेंगे तो हमारी वैल्यू एप्लीकेबल होगी, वैलिड वैल्यू होगी। अगर हमने x की वैल्यू 5 रखी या 5 से ग्रेटर रखी, 6 रखी, तो वैल्यू वैलिड नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि हमें जो सेट गिवन था वो सिर्फ 1 टू लेके 14 तक ही था। तो हमारे पास में जो भी एलिमेंट आएंगे वो 14 नंबर तक ही आ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं आ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5 रखने पर हमारा 15 आ रहा है, जो कि ये वैलिड नहीं होगा। क्लियर है? अब हम क्या बना लेते हैं, यहाँ पर रिलेशन बना लेते हैं। और रिलेशन कैसे बनेगा हमारा, एक्स और वाई एलिमेंट हमें रखना होगा। तो देखिए पहले एक्स रखेंगे और फिर हम वाई रखेंगे, तो 1, 3 आ गया। ऐसे 2 और 6 तो 2, 6 आ गया, 3 और 9 ये ऑर्डर पेयर होते हैं तो 3, 9 आ गया। ऐसे हमारा 4 और 12 तो 1 हमारा आ गया 4, 12। तो ये पूरा एक सेट बन गया हमारा, 1, 3, 2, 6, 3, 9 और 4, 12, ये एक रिलेशन बन गया हमारा। 1 के साथ में 3 का रिलेशन है, 2 के साथ में 6 का रिलेशन है, 3 के साथ में 9 का रिलेशन है, 4 के साथ में 12 का रिलेशन है। और ये रिलेशन कौन बता रहा है आपका, 3x इज इक्वल टू वाई, ये एक तरह से आपको रिलेशन बता रहा है, ये मेन स्टेटमेंट है। इससे ही आप रिलेशन पता लगा पा रहे हो एक्स और वाई के बीच में क्या रिलेशन है। क्लियर है बात? ये आ गया हमारे पास में। अब हमें क्या करना है, चेक करना है कि ये जो हमने रिलेशन बनाया है R इज इक्वल टू जो हमारा निकला है 1, 3, 2, 6, 3, 9, 4, 12, ये सारे हमारे क्या है, रिफ्लेक्सिव हमें चेक करना है, सिमेट्रिक करना है, ट्रांजिटिव करना है, कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये सिमेट्रिक है, क्या ट्रांजिटिव है। तो सबसे पहले हम समझते हैं रिफ्लेक्सिव क्या होता है। देखिए रिफ्लेक्सिव के अंदर क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में जो एलिमेंट है, मतलब अगर 1 एलिमेंट है, एक्स 1 है तो 1, 1 अवेलेबल है क्या, क्या 2 है तो 2, 2 अवेलेबल है क्या, 3 है तो 3, 3 अवेलेबल है क्या, 4 है तो 4, 4 अवेलेबल है क्या, ये चेक करना होता है हमें। तो जब हमारा रिफ्लेक्शन जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव होगा तो यहाँ पर चेक करना है, देन ए ए जो है वो बिलोंग्स कर रहा है क्या आर को। ए ए मतलब जो एलिमेंट फर्स्ट है, फर्स्ट एलिमेंट, और एक होता है सेकेंड एलिमेंट, वाई वाला एलिमेंट सेकेंड होगा, फर्स्ट वाला जो फर्स्ट होगा
वो हमारा क्या होता है, फर्स्ट वाला एलिमेंट होता है एक्स का एलिमेंट। तो क्या ए ए बिलोंग कर रहा है आर को? ए ए बिलोंग करना है मतलब आर को, मतलब यहाँ पर क्या वन वन बिलोंग कर रहा है हमारा आर को? क्या टू टू बिलोंग कर रहा है हमारा आर को? क्या थ्री थ्री बिलोंग कर रहा है हमारे रिलेशन को? मतलब थ्री थ्री क्या अवेलेबल है हमारा इसमें? क्या फोर फोर अवेलेबल है हमारा? क्या फाइव फाइव अवेलेबल है? क्या सिक्स सिक्स अवेलेबल होगा? सेवन सेवन अवेलेबल होगा? एट एट अवेलेबल होगा? यहाँ पर कहीं पर भी अवेलेबल नहीं होगा। तो ये जो है हमारा, देन ए ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए, है ना, बिलोंग्स टू ए सेट सच डेट वन से लेके 14 तक। तो वन वन टू टू थ्री थ्री फोर फोर फाइव फाइव सिक्स सिक्स सेवन सेवन एट एट नाइन नाइन, ऐसे 14 तक जाना है। 14 14 ये सारे के सारे बिलोंग नहीं कर रहे रिलेशन को। मतलब यहाँ पर ये वन वन ना टू टू अवेलेबल है ना थ्री थ्री अवेलेबल, कोई भी इस रिलेशन के अंदर अवेलेबल नहीं है, इसलिए ये हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्स ही नहीं होगा। क्लियर है बात? सिमेट्रिक चेक करते हैं कि चेक सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कैसे चेक करते हैं कि जो हमारा वन थ्री है, अगर हमारा इस सेट के अंदर, देखो रिलेशन के अंदर हमारे पास में यहाँ पर वन थ्री अवेलेबल है, ठीक है, ये वन थ्री अवेलेबल है। तो क्या वन थ्री अवेलेबल है तो क्या थ्री वन भी अवेलेबल है यहाँ पर? वन थ्री मतलब वन थ्री को हम बोलेंगे ए बी। तो अगर ए बी यहाँ पर अवेलेबल है इस रिलेशन के अंदर, मतलब ए बी जो है वो बिलोंग्स कर रहा है आर को, तो क्या थ्री वन मतलब बी ए भी क्या बिलोंग कर रहा है आर को? अगर ऐसा होता है तो वो रिलेशन हमारा सिमेट्रिक होता है। तो यहाँ पर देखो अगर वन थ्री है यहाँ पर इस रिलेशन में, देखो वन थ्री है तो क्या थ्री वन भी है क्या कहीं आगे यहाँ पर? नहीं है। तो ये रिलेशन हमारा क्या नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। तो कैसे चेक करते हैं, इफ ए बी जो है वो बिलोंग कर रहा है आर को, देन बी ए भी बिलोंग कर रहा है आर को, तो हम कह सकते हैं वो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, वन थ्री जो बिलोंग कर रहा है आर को, लेकिन थ्री वन जो है वो नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए हम क्या बोलेंगे, आर इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है, इस केस के अंदर। चलिए ट्रांजिटिव चेक करते हैं। ट्रांजिटिव कैसे चेक करते हैं? ट्रांजिटिव चेक करने का देखो एक तरीका होता है। ट्रांजिटिव कैसे चेक करते हैं, जैसे यहाँ पर देखो हमारे पास में क्या होता है, ट्रांजिटिव के लिए अगर हमारे पास में ए बी बिलोंग कर रहा है आर को और बी सी बिलोंग कर रहा है आर को, तो ए सी भी बिलोंग करेगा आर को। समझाता हूँ, यहाँ पर हमारे पास में देखो ये रिलेशन था हमारे पास में, जिसके अंदर हमारे पास में एलिमेंट थे, रिलेशन जो था हमारे पास में, जिसके अंदर हमारे पास में वन थ्री टू सिक्स थ्री नाइन और फोर ट्वेल्व, ये हमारे पास में ऑर्डर पेयर थे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो अगर मैं ए बी बी सी बनाना चाहता हूँ, तो ए इसको मैं बोल देता हूँ और इसको मैं बी बोल देता हूँ, ए बी, तो बी हमारा थ्री हुआ, तो बी और कहाँ दिख रहा है हमारे को, थ्री ये इस वाले में दिख रहा है, तो मैं इसको लूंगा और इसको लूंगा, तो ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी। तो ए बी अगर बिलोंग कर रहा है आर को, मतलब वन थ्री बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, बिल्कुल कर रहा है, ठीक है, और बी सी बिलोंग कर रहा है आर को, मतलब बी सी थ्री फोर भी बिलोंग कर रहा है आर को, तो थ्री फोर क्या अवेल थ्री नाइन सॉरी थ्री नाइन बिलोंग कर रहा है आर को, बिल्कुल कर रहा है, तो वहां पर ए सी भी जो बिलोंग करेगा वो आर को बोलेगा। ए सी कौन है यहाँ पर, ए वन है, और सी कौन है यहाँ पर, सी है हमारे पास में नाइन, तो वन और नाइन। तो क्या इस रिलेशन में वन नाइन अवेलेबल है, तो आप देखोगे वन थ्री टू सिक्स थ्री नाइन फोर ट्वेल्व, वन नाइन तो अवेलेबल ही नहीं है। वन नाइन अवेलेबल नहीं है इसका मतलब है कि ट्रांजिटिव नहीं हुआ। तो हियर वन थ्री बिलोंग्स टू आर, थ्री नाइन बिलोंग्स टू आर, लेकिन वन नाइन जो है वो नॉट बिलोंग्स टू आर है, इसलिए हम बोलेंगे आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो देखिए ना तो ये रिफ्लेक्सिव हुआ, ना ही हमारा ये सिमेट्रिक हुआ, और ना ही हमारा ये ट्रांजिटिव होगा। क्लियर है? फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। इस तरीके से हमें चेक करना होता है। चलिए सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट के अंदर है रिलेशन आर इन द सेट एन ऑफ अ नेचुरल नंबर, जो रिलेशन बन रहा है वो नेचुरल नंबर के साथ में बन रहा है, तो सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइंड एज, जो रिलेशन को डिफाइंड किया गया है वो कैसे किया गया है, एक्स वाई है सच डेट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव एंड एक्स इज लेस देन फोर। यहाँ पर देखो कंडीशन दे दी कि आप एक्स की वैल्यू जो है वो लेस देन फोर ही ले सकते हो, मतलब एक्स की वैल्यू पॉसिबल क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी, टू हो जाएगी, थ्री हो जाएगी, फोर आप नहीं ले सकते हो, क्योंकि लेस देन आपको फोर ही लेनी है एक्स की वैल्यू, ठीक है, और नेचुरल नंबर ही लेना, तो एक्स की वैल्यू जीरो भी नहीं ले सकते हो आप, ठीक है, या माइनस में भी नहीं ले सकते, क्योंकि इसने बोला एन ऑफ नेचुरल नंबर, तो सेट जो है वो नेचुरल नंबर का है, इसलिए हमें एक्स की वैल्यू वन टू थ्री ही रखनी है। तो हमारा जो रिलेशन बनेगा, वाई की वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी, वाई की वैल्यू निकलेगी एक्स प्लस फाइव। तो देखो एक्स की वैल्यू अगर मैं वन पुट करता हूँ तो वाई हमारा क्या निकल के आ जाएगा, सिक्स निकल के आ जाएगा, ऐसे ही एक्स की वैल्यू टू पुट करूंगा तो वाई हमारा सेवन निकल के आ जाएगा, ऐसे हम वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू वन पुट करेंगे तो वाई सिक्स निकल के आ जाएगा, टू पुट करेंगे सेवन निकल के आ जाएगा, थ्री निकल लगेंगे एट आ जाएगा। तो हमारे जो पेयर्स बनेंगे ऑर्डर वो क्या बनेंगे, एक्स और वाई, तो एक्स वन और वाई सिक्स, तो वन सिक्स बन जाएगा, टू सेवन बन जाएगा रिलेशन, और थ्री और एट रिलेशन बन जाएगा, मतलब एक्स वन का सिक्स से रिलेशन, टू का सेवन से रिलेशन, थ्री का
8 का रिलेशन, 3 का 8 से रिलेशन, और रिलेशन कौन बता रहा है हमारे को, ये y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, ये रिलेशन यहाँ पर क्रिएट कर रहा है। क्लियर है बात? और हमें वैल्यू कौन सी लेनी है, 1, 2, 3 ही लेनी, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन आपको गिवन थी x इज लेस देन 4। क्लियर है बात? समझ में आ गई? तो रिलेशन हमने यहाँ पर बना दिया। अब हम चेक करते हैं यहाँ पर रिफ्लेक्सिव है क्या। तो रिफ्लेक्सिव आपको पता है क्या होता है, कि क्या हमारा यहाँ पर रिफ्लेक्सिव मतलब जो ये 1 है x का एलिमेंट, देखो 1 1 क्या अवेलेबल है, क्या 2 2 अवेलेबल है, क्या 3 3 अवेलेबल है, मतलब ए ए अवेलेबल है, ए ए बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, तो यहाँ पर बस 1 1 अवेलेबल ही नहीं है, ना 2 2 अवेलेबल है, ना 3 3 अवेलेबल है, 1 1 अवेलेबल नहीं है, तो आगे आपको चेक करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो ये रिलेशन जो होगा रिफ्लेक्सिव होगा। देखो इफ द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव देन ए ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सिंस क्या 1 1 बिलोंग कर रहा है आर को, नॉट बिलोंग्स टू आर, तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर? चलिए सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक कैसे करते हैं, ए बी अगर बिलोंग कर रहा है रिलेशन को तो हमारा बी ए भी बिलोंग करेगा रिलेशन को। तो देखो यहाँ पर 1 6 को लेके चलते, तो 1 6 अगर रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, 1 6 आर में है रिलेशन में है, तो क्या 6 1 अवेलेबल है यहाँ पर, आप कहोगे 6 1 तो अवेलेबल ही नहीं है, तो ये बिल्कुल नहीं करेगा। तो ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए बिलोंग्स टू आर, तो 1 6 अगर बिलोंग कर रहा है आर को बट 6 1 नहीं कर रहा है यहाँ पर बिलोंग्स टू आर, तो हम क्या बोलेंगे, आर इज नॉट सिमेट्रिक। क्लियर है? ट्रांजिटिव चेक करते हैं। तो ट्रांजिटिव के लिए मैंने क्या बताया था, ए बी जो है बिलोंग करता है आर को, बी सी अगर बिलोंग करता है आर को तो ए सी भी बिलोंग करना चाहिए आर को। ठीक है? तो अब यहाँ पर देखो अगर मैं 1 6 लेके चलता हूँ, तो 1 6 अगर मैं लेके चलता हूँ तो यहाँ पर ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। ए बी अगर बिलोंग कर रहा है आर को तो यहाँ पर ए ये हो गया, बी ये हो गया। अब बी 6 कहीं पे अवेलेबल है क्या, नहीं नहीं है ना, तो बी सी में ले ही नहीं सकता पहली बात तो यहाँ पर। या अगर मैं 2 7 को लेता, तो अगर मैं इसको ए मानता इसको बी मानता, तो क्या 7 बी सी फिर लेता, तो 7 क्या अवेलेबल है फर्स्ट पोजिशन पे, नहीं अवेलेबल। तो पहली बात तो यहाँ पर ऐसा पेयर ही नहीं बनेगा। तो हम कह सकते हैं अगर ट्रांजिटिव कौन सा होता है केस, टू चेक वेदर ट्रांजिटिव और नॉट, तो इफ ए बी बिलोंग कर रहा है आर को और बी सी अगर बिलोंग कर रहा है आर को, तो ए सी भी बिलोंग करना चाहिए आर को जब भी वो किस ट्रांजिटिव होगा रिलेशन। तो यहाँ पर अगर हमने देखा तो पहली बात तो पेयर ही नहीं बन रहा है, चेक करने की दूर की बात है। तो देयर इज नो पेयर इन आर सच दैट ए बी बिलोंग कर रहा है आर को और बी सी बिलोंग कर रहा है आर को, ये ऐसा कोई पेयर ही नहीं बन रहा है, तो हम कहेंगे ए सी जो है वो नॉट करेगा बिलोंग्स टू आर, तो देयर फोर आर इज नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर है बात? तो इस केस के अंदर सेकंड वाले पार्ट के अंदर भी सारे के सारे हमारे क्या थे, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव और ये कुछ भी नहीं थे, तो हेंस आर इज नेदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की ओर। थर्ड पार्ट है रिलेशन आर इन द सेट ए। सेट ए है हमारे पास में जिसके अंदर एलिमेंट दिए हुए 1 2 3 4 5 6। ठीक है? और रिलेशन जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, आर इज इक्वल टू डिफाइन किया गया है रिलेशन को, आर इज इक्वल टू एक्स वाई और सच डेट वाई इज डिविजिबल बाय एक्स, जो वाई है ना वो डिविजिबल बाय एक्स है। ठीक है? अब देखो यहां पर हमारे पास में क्या दिया हुआ है, जो रिलेशन बन रहा है एक्स वाई एलिमेंट है जिसके अंदर वाई जो है वो डिविजिबल बाय एक्स है, और सेट ए है हमारे पास में 1 2 3 4 5 6। अब मुझे एक बात बताओ, वाई इज डिविजिबल बाय एक्स है तो हमारे पास में इनमें से ही नंबर लेना है 1 2 3 4 5 6, तो हमारा क्या क्या बन सकता है, देखो एक पेयर बन सकता है 1 1 का, एक बन सकता है हमारा 2 2 का, एक बन सकता है 3 3 का, 4 4 का भी बन सकता है, 5 5 का भी बन सकता है, 6 6 का भी बन सकता है। बोलो बन सकता है नहीं बन सकता है? क्यों बन सकता है, क्योंकि इसने बोला है वाई इज डिविजिबल बाय एक्स, तो क्या देखो वाई जो है वो एक्स को डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल 2 2 को डिवाइड करता है, 3 3 को डिवाइड करता है, 4 4 को, 5 5 को, 6 6 को, इनमें से ही लेना है अपने को नंबर, तो मैंने इनमें से ले लिया नंबर। क्लियर है? और क्या बन सकता है, और बन सकता है 2 और 4 का पेयर, देखो 2 और 4 का, तो 2x है और y, तो 4 को y 2 डिवाइड करता है ना, करता है। और कौन सा बन सकता है, 3 और 6 का, 3 और 6 का, 6 को 3 डिवाइड करता है, तो ये सारे रिलेशन में बन जाएंगे हमारे। बोलो बन सकते हैं या नहीं बन सकते, बन सकते हैं। तो अब यहां पर चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव होगा क्या, चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव होगा क्या। रिफ्लेक्सिव के लिए आपको क्या चाहिए होता है, ए ए बिलोंग करना चाहिए आर को, मतलब एक्स एक्स जो है वो बिलोंग करना चाहिए आपका आर को, तो क्या यहाँ पर 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 सारे तो अवेलेबल हैं, तो एक्स इज डिविजिबल बाय एक्स, तो एक्स एक्स जो है वो बिलोंग करेगा यहाँ पर रिलेशन को, देखो रिलेशन के अंदर है तो हम कहेंगे आर इज रिफ्लेक्स। क्लियर है बात? बात समझ में आ रही है? मैंने यहाँ पर सेट भी बना दिया है, देखो रिलेशन का पूरा मैंने एक यहाँ पर आपके ऑर्डर पेयर बना दिए। चलो सिमेट्रिक चेक करते हैं। तो सिमेट्रिक क्या होता है, ए बी बिलोंग करता है अगर आर को तो बी ए भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन को, तो यहाँ पर मुझे एक बात बताओ, चलो ये तो इसमें तो आप पास हो जाओगे, 1 1 बिलोंग कर रहा है आर को तो
BA11 भी बिलोंग करेगा आर को, यहाँ पर अवेलेबल है ऐसे, इसमें तो हो जाओगे, लेकिन ये 2, 4 और 3, 6 में आप पास नहीं होगे। क्यों? क्योंकि अगर मैं 2, 4 अगर लेके चलता हूँ तो 2, 4 बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, लेकिन 4, 2 क्या बिलोंग करेगा यहाँ पर? 4, 2 क्या बिलोंग करेगा यहाँ पर रिलेशन को? 4, 2 हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि 4 हमारा क्या है, x है और ये y है, और यहाँ पर कंडीशन दी थी y इज डिविजिबल बाय x। तो क्या 2 जो है वो x 4 से डिवाइड होता है क्या? ये जो 2 है ये 4 से डिवाइड होगा क्या? नहीं। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर, एक्स वाई बिलोंग करता है आर को, और वाई एक्स बिलोंग करना चाहिए आर को जब भी वो सिमेट्रिक होगा। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो 2, 4 है वो बिलोंग कर सकता है आर को, तो 4 इज डिविजिबल बाय 2, बट 4, 2 जो है वो नॉट बिलोंग्स टू आर बिकॉज 2 इज नॉट डिविजिबल बाय 4। तो ये क्या होगा, नॉट सिमेट्रिक होगा। क्लियर है बात? क्योंकि इनकी वजह से। चलिए ट्रांजिटिव चेक करते हैं। ट्रांजिटिव क्या होता है हमारे पास में, ट्रांजिटिव एक्स वाई अगर बिलोंग कर रहा है हमारा आर को, वाई जेड अगर हमारा बिलोंग कर रहा है आर को, तो हमारा एक्स जेड भी बिलोंग करना चाहिए आर को। मतलब ए बी अगर बिलोंग कर रहा है आर को, बी सी बिलोंग कर रहा है अगर आर को, तो ए सी भी आपका बिलोंग करना चाहिए आर को। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं। देखिए अगर आप यहां पर चेक करोगे, जैसे 2, 4 लेके चल लेते एक एग्जाम्पल ये वाला, ठीक है, तो 2, 4 को अगर देखते हो आप, तो देखो 2, 4 अगर है हमारे पास में ना, तो इसको अगर मैं बोलता हूं ये ए हो गया और ये बी हो गया, या एक्स और वाई मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और फिर बी सी भी मुझे चाहिए होगा, तो बी सी कौन सा ले अपन? देखो अगर मैं यहाँ पर 2, 4 ले रहा हूँ, तो इसके साथ में मैं कौन सा ले सकता हूँ? 2, 4 अगर मैं ले रहा हूँ, तो इसके साथ में मैं 4, 4 लूंगा ना बी सी के लिए, क्योंकि 4 आ रहा है यहाँ पर, इसलिए मैं यहाँ पर 4 लेना पड़ेगा मेरे को, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 4, 4। तो ए बी, बी की वैल्यू 4 थी, तो यहाँ पर बी की वैल्यू 4 हो गई, इसलिए मैंने लिया, और ये हो गया सी। क्लियर है बात? ठीक है, अब देखो अगर मेरा ए बी बिलोंग कर रहा है 2, 4 को, मतलब ए बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, तो देखो यहाँ पर 2, 4 अवेलेबल है रिलेशन के अंदर, बिल्कुल है, और 4, 4 भी अवेलेबल है रिलेशन के अंदर। मतलब ए बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, बी सी बिलोंग कर रहा है अगर रिलेशन को, तो ये ए और सी एलिमेंट, ए और सी भी बिलोंग करेगा हमारा किसको, रिलेशन को। तो ए और सी क्या है यहाँ पर, ए है 2 और सी क्या है 4, तो क्या 2 और 4 भी अवेलेबल है यहाँ पर? तो देखो 2 और 4 कौन से हुए, 2, 4 यही तो होंगे, तो ए सी भी हमारा क्या करेगा, बिलोंग करेगा रिलेशन को, तो ये ट्रांजिटिव भी होगा। तो देखो वाई इज डिविजिबल बाय एक्स, जेड इज डिविजिबल बाय वाई, देन जेड इज डिविजिबल बाय एक्स। सिंपल सी बात है, अगर वाई डिवाइड कर रहा है एक्स को और जेड भी डिवाइड कर रहा है अगर वाई को, तो जेड को, जेड भी डिवाइड होगा एक्स से, ठीक है। तो एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर को, वाई जेड बिलोंग कर रहा है आर को, देन एक्स जेड भी बिलोंग करेगा आर को, तो आर इज ट्रांजिटिव। इस एग्जाम्पल के जरिए मैंने आपको यहाँ पर समझा भी दिया है, क्लियर है। चलिए फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट है रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स। देखो रिलेशन आर बन रहा है हमारा किसके साथ में, सेट जेड के साथ में। सेट जेड के अंदर सारे, आपको पता है जेड जो होता है सेट, वो इंटीजर्स का जेड होता है, ठीक है, इंटीजर्स के लिए होता है जेड हम शो करते हैं। तो यहाँ पर सारे इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स जो होते हैं नेगेटिव भी होता है पॉजिटिव भी होता है, जीरो भी एक इंटीजर है, तो 0, -1, +1, -2, +2, -3, +3, ये सारे एलिमेंट आएंगे यहाँ पर। तो जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइंड एज आर जो है वो एक्स वाई, आर जो रिलेशन है जिसके अंदर एक्स वाई एलिमेंट है, सच डेट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर आर रिलेशन आर बन रहा है सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स, तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर, एक आपके सामने एक सेट बना देता हूँ, ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जेड मैंने एक सेट बना दिया जिसके अंदर मैं आपके पास में एलिमेंट रख लेता हूँ। एलिमेंट हम कौन कौन से रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं, -1, +1, -2, +2, -+3, -+4, -+5, -+6, इस तरीके के मैंने यहाँ पर क्या रख ली है, एलिमेंट रख ली है, और भी आगे तक मैं जा सकता हूँ यहाँ पर, क्लियर है, क्योंकि इसने कोई लिमिट नहीं दी है, सारे इंटीजर्स आ जाएंगे यहाँ पर। अब देखो ये कह रहा है जो रिलेशन डिफाइंड हो रहा है वो कैसे हो रहा है, रिलेशन इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू एक्स वाई, ऑर्डर पेयर है एक्स वाई, एक्स वाई जो एलिमेंट है वो किस तरीके के हैं, एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। अगर मैं एक्स माइनस वाई करता हूँ तो क्या आता है हमारे पास में, इंटीजर आता है। अब देखो यहाँ से अगर मैं कोई सा भी वैल्यू उठा लूँ, कोई सा भी एलिमेंट उठा लूँ, जैसे मान के चलो -1 उठा लूँ, तो -1 अगर मैं उठा लेता हूँ, एक्स अगर मैं -1 ले लेता हूँ, और वाई भी अगर मैं -1 ले लेता हूँ, ठीक है, अगर एक्स में -1 ले लेता हूँ और वाई भी मैं अगर -1 ले लेता हूँ, तो देखो एक्स माइनस वाई अगर मैं यहाँ पर करूंगा, तो -1 और ये माइनस और फिर -1, तो
माइनस वन और ये प्लस वन हो जाएगा, तो क्या आएगा हमारा, जीरो आएगा। आ रही बात समझ में? ठीक है, और ऐसे आप कुछ भी ले सकते हो, माइनस फोर ले लो वाई एक्स, और वाई भी आपका माइनस फोर ले लो, कुछ भी ले लो, या माइनस फोर एक्स ले लो, वाई हमारा प्लस फोर ले लो, तो माइनस फोर प्लस फोर करोगे तो हमारा रिजल्ट है जीरो आएगा। आ रही बात समझ में? तो एक्स आप ले लो, वाई ले लो, तो एक्स माइनस वाई जब आप करोगे तो क्या आएगा, रिजल्ट आपका जीरो आ रहा है। या अभी आप कहोगे कि सर प्लस का टू ले लेता हूँ एक्स, और वाई ले लेता हूँ सर एट, तो जब एक्स माइनस वाई करूंगा तो टू माइनस एट क्या आएगा, माइनस सिक्स आएगा, तो माइनस सिक्स आ रहा है मतलब इंटीजर से तो आ रहा है, इसने यही तो कहा है एक्स माइनस वाई जो है वो इंटीजर आना चाहिए, तो इंटीजर आ रहा है ना, माइनस सिक्स आ रहा है, माइनस सिक्स क्या होता है, इंटीजर आ रहा है। तो सारे केसेस के अंदर ये तो भैया हमारा रिफ्लेक्सिव होने वाला है। वैसे भी देखो रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए क्या करते हैं हम, एक्स जो है एक्स माइनस एक्स मतलब फर्स्ट एलिमेंट जो है माइनस वन क्या आना चाहिए, जीरो। तो सिंस एक्स माइनस एक्स जो है वो क्या है हमारा, बिलोंग करना चाहिए आर को, तो क्या वो बिलोंग करेगा आर को, इंटीजर है मतलब माइनस वन और माइनस वन अगर मैं रिजल्ट निकालता हूँ तो जीरो आ रहा है, और जीरो क्या है, इंटीजर है। या मैंने टू लिया वाई, मैंने माइनस वाई मैंने एट लिया, और टू माइनस एट जब कराया तो माइनस सिक्स आया, तो वो भी इंटीजर है। तो आप कुछ भी केस ले लो उसके अंदर आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, इंटीजर से मिलेगा। तो एंड जीरो इज एन इंटीजर, तो एक्स माइन देयर फॉर एक्स माइनस एक्स इज एन इंटीजर, तो एक्स एक्स बिलोंग करेगा किसको, आर को। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर टू और एट तो आप ले नहीं सकते हो, क्योंकि आपका सिमिलर होना चाहिए। एक्चुअली में जब रिफ्लेक्सिव होता है तो रिफ्लेक्सिव के अंदर सेम होता चाहिए। तो आप जो एक्स ले रहे हो, तो माइनस वन ले रहे हो, तो माइनस वन को माइनस वन के साथ में रिजल्ट आप कराओगे तो जीरो आएगा। ऐसे ही अगर आप प्लस थ्री ले रहे हो तो प्लस थ्री को प्लस थ्री के साथ में माइनस कराओगे, मतलब प्लस थ्री लिया और माइनस किया प्लस थ्री, तो हमारा रिजल्ट जीरो आएगा। तो एक्स माइनस एक्स क्या आएगा, यहाँ पर जीरो ही आएगा, और जीरो हमारा क्या होता है, इंटीजर सी होता है, तो इसलिए ये बिलोंग करेगा आर को, क्योंकि एक्स एक्स बिलोंग करेगा यहाँ पर आर रिलेशन को, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। क्लियर है? टू एट अपन नहीं ले सकते क्योंकि रिफ्लेक्सिव था एक्चुअली में। सिमेट्रिक में आप ले सकते हो ये वाला पेयर टू एट, चेक सिमेट्रिक, सिमेट्रिक चेक करते हैं। तो सिमेट्रिक चेक करेंगे तो क्या होता है, देखो ए बी बिलोंग कर रहा है अगर रिलेशन को, तो बी ए भी हमारा क्या करता है, बिलोंग करता है रिलेशन को। तो यहाँ पर अगर हम देखें एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, अगर मैं एक्स माइनस वाई करवाता हूँ तो इंटीजर ही होगा, अभी हमने करा भी था। देखो एक्स माइनस वाई अगर माइनस वन लिया, या इसको ले लो टू और एट किया हमने, देखो अगर मैं एक नंबर लेता हूँ, जैसे यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ, ये एक्स है ये वाई है, तो अगर मैं एक्स टू ले रहा हूँ और वाई मैंने एट लिया, तो जब मैं अगर एक्स माइनस वाई करवाऊंगा तो टू माइनस एट होगा जो कि क्या आएगा, माइनस सिक्स। क्लियर है बात? तो एक्स माइनस वाई जब करा रहा हूँ तो मेरा रिजल्ट क्या आ रहा है, माइनस सिक्स, और माइनस सिक्स क्या होता है, इंटीजर्स होता है, इंटीजर्स होता है। क्लियर है? अब देखो एक्स माइनस वाई करवाया, अब की बार मैं वाई माइनस एक्स करा देता हूँ, तो वाई माइनस एक्स क्या होता है, एट माइनस टू, तो वो होता है पॉजिटिव सिक्स, और सिक्स भी क्या होता है, सिक्स भी इंटीजर्स होता है। तो कुल मिला के ए माइनस बी और बी माइनस ए दोनों में हमारे को वैल्यू जो मिल रही है वो इंटीजर मिल रही है, तो ये क्या होगा हमारा, सिमेट्रिक भी होगा। देखो एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर्स और वाई माइनस एक्स इज एन इंटीजर्स, यहाँ पर वाई माइनस एक्स भी क्या बन रहा है, इंटीजर से मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं इफ एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर देन वाई माइनस एक्स इज एन इंटीजर्स, तो हम कह सकते हैं एक्स वाई जो है वो बिलोंग करेगा हमारा रिलेशन को, और वाई एक्स भी बिलोंग करेगा रिलेशन को, तो आर जो होगा वो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के जरिए आपको समझ में ज्यादा अच्छे से आएगा, इसलिए मैं एग्जाम्पल ले लेके आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे एलिमेंट रख रख के। चलो ट्रांजिटिव चेक करते हैं। तो ट्रांजिटिव हम कैसे चेक कर सकते हैं, यहाँ पर देखो एक्स माइनस वाई अगर आपका इंटीजर दे रहा है, वाई माइनस जेड भी अगर आपका इंटीजर दे रहा है, तो एक्स माइनस जेड भी आपका इंटीजर देना चाहिए। आ रही बात समझ मेरी? एक्स माइनस वाई अगर आपका इंटीजर दे रहा है, वाई माइनस जेड भी अगर आपका इंटीजर दे रहा है, तो आपका क्या होना चाहिए, जेड माइ एक्स माइनस जेड भी आपका इंटीजर। जैसे आपका वो होता है ना ए बी, अगर आपका बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, और बी सी भी अगर आपका बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, तो ए सी भी आपका क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए रिलेशन को। तो यही चीज है यहाँ पर, एक्चुअली में यहाँ पर इंटीजर चल रहा है, एक्स माइनस वाई चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक्स माइनस वाई अगर आपका इंटीजर है और वाई माइनस जेड भी आपका इंटीजर है, तो एक्स माइनस जेड भी आपका इंटीजर होगा। आप क्या कराओ, एक्स माइनस जेड लाने के लिए इन दोनों का ऐड करवा दो, इसलिए यहाँ पर सम करवा रखा है, एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, माइनस वाई से माइनस वाई प्लस वाई कट जाएगा, तो एक्स माइनस जेड ही बचेगा, तो एक्स माइनस जेड आ जाएगा। ठीक है, तो देखो एक्स माइनस वाई अगर इंटीजर है और वाई माइनस जेड भी इंटीजर है, तो एक्स माइनस जेड भी हमारा इंटीजर ही होगा। तो हम कह सकते हैं एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर को, जैसा मैंने यहाँ पर कर रखा है, वाई जेड आपका बिलोंग कर रहा है आर को, तो एक्स जेड भी आपका बिलोंग करेगा आर को,
तो यहाँ पर आर जो होगा, जो रिलेशन है यहाँ पर, ये ट्रांजिटिव भी होगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर रिफ्लेक्सिव भी था, सिमेट्रिक भी था, ट्रांजिटिव भी था। तो हियर आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। क्लियर है? इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।